नमस्कार दोस्तों, स्टडी मैप इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, तो उसमें अच्छे मार्क कैसे लाए जाए। तो ये जो वीडियो है स्पेशली मैं बना रहा हूँ जिनका भी पेपर थर्ड फेज़ में और जो भी अपकमिंग फेज़ है, तो इनमें जिनका भी पेपर है तो उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छा वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के ऐसे टॉपिक्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़े तो आपको कम से कम 25 से 30 मार्क के आप ऊपर ही स्कोर कर लोगे 40 में से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, पर सबसे पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट स्कीम्स। अगर आप एग्जामिनेशन देखेंगे तो हर एक शिफ्ट में कम से कम एक मार्क के लिए गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे मनरेगा हो, मुद्रा योजना हो, बेटी बचाओ हो, बेटी पढ़ाओ हो, बेटी पढ़ाओ योजना। तो ये जो सभी की सभी जो योजनाएँ हैं, तो आपको ये जो स्कीम्स है गवर्नमेंट स्कीम्स वो अच्छे से पढ़कर जानी है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपके पास एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठे, सो दैट आप ये जो टॉपिक है वो आपके नोटबुक में नोट करें और उसी हिसाब से अगर आप जो पढ़ाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे। उसके बाद हमको देखना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हो गया, उसके बाद यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, तो उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और इसी तरह के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन फेज़ और फेज़ टू में भी देखे गए हैं। उसके बाद हमको देखना है इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। आपको पता ही होगा कि जो इम्पॉर्टेंट डेज है जैसे कि इंटरनेशनल अर्थ डे कब होता है, इंटरनेशनल इंडिया का जो यूथ डे है वो कब होता है, बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है, तो इसी तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट डेज है वो ध्यान में रखना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है 1857 का उठाव। तो ये जो टॉपिक है इसमें से बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन बन रहे हैं। मीन्स 1857 का उठाव जो था वो कब शुरू हुआ था, वो कब बंद हुआ था, उस टाइम पे जो वाइस रॉय या फिर गवर्नर जनरल थे इंडिया के तो वो कौन थे, इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तो उनके जो जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीन्स जो 1930 31 और 32 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सेशन हुए थे लंदन में, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और महात्मा गांधी जी के आंदोलन जैसे कि चंपारण आंदोलन हो गया, खेड़ा सत्याग्रह हो गया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो गया, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मीन्स देखा जाए तो महात्मा गांधी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको ये सब अच्छे से करके जाना है। उसके बाद देखना है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सेशन है इम्पोर्टेंट वाले वो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि सूरत का स्प्लिट कब हुआ था, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, सबसे पहली जो महिला थी जो INC की चेयरपर्सन बनी थी तो वो कौन थी, इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप सब के सब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अच्छे से पढ़ के जाइए। उसके बाद है इम्पोर्टेंट बैटल्स इन हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, जो भी भारत के इतिहास में जो लड़ाइयाँ हुई है तो आपको वो अच्छे से पढ़कर जानी है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी और पानीपत का युद्ध किस में हुआ था, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो इम्पोर्टेंट बैटल्स है वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सिख गुरु इन्फॉर्मेशन, जो भी सिख गुरु है
तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पहला सिख गुरु कौन था, उसके बाद खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी, और इसके अलावा जैनिज्म हो गया और बुद्धिज्म हो गया, इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसके बाद वो लोग क्वेश्चन देखने इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, कंट्री एंड द कैपिटल, सीएम एंड गवर्नर। जो भी सीएम है इंडिया में और जो गवर्नर है वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कभी कभी मीन्स किसी की जो कैपिटल है, करेंसी है, ये भी पूछते देखा है आरबी एनटीपीसी ने। इसके बाद इम्पोर्टेंट पासेस, कैनल्स, नेशनल पार्क, जो भी इम्पोर्टेंट पासेस है जैसे कि काराकोरम पास हो गई, उसके बाद पीर पंचाल हो गई, नथुला हो गई, ठीक है। तो इस तरह के जो पासेस होते हैं वो आपको करना है। कैनल्स हो गए, सबसे बड़ा कैनल कौन सा है, कौन से देश में है, और उसके बाद नेशनल पार्क, इंडिया में जो नेशनल पार्क है तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर लास्ट देखा जाए तो जो बिहार में जो वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है, तो एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको एक अगर वीडियो आप देख लेंगे यूट्यूब पर तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। इसके बाद देखना है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, जो यूनेस्को जो हेरिटेज साइट्स जो होती है इंडिया में जो है तो वो कितनी है, और इंडिया में जो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है तो उसकी लोकेशन कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल बताया जाए तो सांची स्तूप कहाँ पे है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पे बनते हुए देख रहे हैं हम। उसके बाद मुगल एम्पायर लाइक बाबर हो गया, अकबर हो गया, शाहजहां हो गया, औरंगजेब हो गया, इनकी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखना है पीएच ऑफ वेरियस सब्सटेंस लाइक सॉल्ट, ब्लड, यूरिन, ये जो सब के सब पीएच है आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये टॉपिक करने के लिए आपको अगर आपके पास ल्यूसेंट है तो आप ल्यूसेंट में बहुत अच्छे से दिया गया है। आपको सिर्फ जो डिजीज़ के नाम है वो सिर्फ ध्यान में रखना है और ल्यूसेंट से ही पढ़ना है, ठीक है, ये वाला टॉपिक। उसके बाद देखना है विटामिन्स एंड डिफिशियंसी कॉज बाय द विटामिन्स, जो भी विटामिन्स हैं ए बी सी डी, तो ये हमको ध्यान में रखने हैं, और अगर उनकी कमतरता हो जाए बॉडी में तो उसकी वजह से कौन से डिसीज होते हैं, तो ये भी हमको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद फर्स्ट इन वर्ल्ड एंड फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, जो भी भारत में पहली पहली हुई है, फॉर एग्जाम्पल अगर बताया जाए तो इलेक्शन कमिश्नर कौन थे पहले वाले, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम देखने को मिल रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक भी अच्छे से करके जाना है। उसके बाद कंप्यूटर एब्रीविएशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड ब्राउजर्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, कंप्यूटर क्यों एब्रीविएशन हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है एक्चुअली देखा जाए तो। फॉर एग्जाम्पल यूआरएल का मतलब क्या होता है, एचटीटीपी क्या होता है, एचटीएमएल कैसे क्या होता है, तो आपको ये जो है ये आप डायरेक्ट ऑनलाइन देख सक आप ऑनलाइन यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, या फिर ल्यूसेंट अगर आपके पास होगी तो आप उनमें से भी ये पढ़ सकते हो। इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं आईपीएल क्रिकेट न्यूज़, जो भी आईपीएल से संबंधित जानकारी है, क्रिकेट से संबंधित जानकारी है, वो भी आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद नोबल प्राइज़ एंड अदर रिलेटेड प्राइजेज, जो भी इंपॉर्टेंट प्राइज़ है, ठीक है, जैसे कि नोबल प्राइज़ हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, राजीव गांधी खेल सम्मान हो गया, ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद टेनिस टूर्नामेंट, टेनिस टूर्नामेंट का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन में विनर कौन है, उसके बाद यूएस ओपन में कौन विनर है, तो ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। उसके बाद मुझे लगता है कि इसरो और डीआरडीओ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अरबी पूछ रहा है, ठीक है, मीन्स इसरो के जो भी स्पेस जो मिशन थे जैसे कि चंद्रयान हो गया, मंगलयान हो गया, तो उनमें जो जो लॉन्च व्हीकल होते हैं पीएसएलवी, जीएसएलवी, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, और कब उसकी स्थापना हुई थी, इसरो कब बना था, डीआरडीओ कब बना था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखना है न्यूक्लियर टेस्ट, जो भी न्यूक्लियर टेस्ट है जैसे कि पोखरण में न्यूक्लियर का टेस्ट हुआ था, ठीक है, तो वो भी हमको एक बार ध्यान में रखना है, ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ऑनलाइन। उसके बाद महारत्ना कंपनी कौन सी है, मिनी रत्न कंपनी कौन सी है, तो एक्चुअली आपको जो भी 10 कंपनीज हैं महारत्ना कंपनीज, तो उनके नाम पता होने चाहिए और ये सब आपको होने चाहिए पता, ठीक है। उसके बाद मौर्यन एम्पायर, जो भी चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त वन है, तो जो भी मौर्य साम्राज्य, जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो पर्सन आते हैं मौर्यन साम्राज्य में, उसकी स्टडी आपको करनी है अच्छे से। उसके बाद सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल फ्रॉम 14 टू 52, आपको
जो भी आर्टिकल है फ्रॉम 14 से लेके 52 तक आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल ध्यान में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा कि 14 से लेके 30 तक जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल इक्वलिटी का आर्टिकल आता है, फ्रीडम का आर्टिकल आता है, ठीक है, तो आपको ध्यान में होने चाहिए 50 तक करिए, सफिशेंट है, ठीक है। और जो भी इलेक्शन कमिश्नर का हो गया, अमेंडमेंट का आर्टिकल हो गया, सो ये सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ओके। उसके बाद इम्पोर्टेंट रिवर्स कौन सी है, ओके। उसके बाद एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फाउंडर नेम, पीरियोडिक टेबल, आपको पीरियोडिक टेबल जो है तो कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन पर काम किया है। उसके बाद एटम क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, उनकी डिस्कवरी किसने की, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। और करंट अफेयर की न्यूज़ बहुत कम आ रही है, देखा जाए तो स्टैटिक पर ही बहुत ज़्यादा फोकस आरआरबी एनटीपीसी इस बार कर रहा है। तो और इसके अलावा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पंचवार्षिक योजनाएं हैं, ठीक है, पंचवार्षिक योजनाएं में देखा जाए तो बोकारो स्टील प्लांट कब हुआ था, उसके बाद जो राउरकेला का जो प्लांट है तो वो किस देश की मदद से स्थापन किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो भी रिवॉल्यूशन है, जैसे कि वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इन सभी से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप ये जो है टॉपिक मैंने बताया है इस वीडियो में, तो ये टॉपिक एक किताब में लिख लीजिए, एक नोटबुक में लिख लीजिए और पहले ही आप करिए। उसके बाद आपको जो भी लगता है आपकी आपकी स्ट्रैटेजी होती है, तो मैं कहता हूँ कि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये पढ़ लीजिए। और अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिए तो आपको अच्छे मार्क जनरल अवेयरनेस में मिल सकते हैं, सो दैट आपका सिलेक्शन जो है सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।